हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल, वर्डेनाफिल या एवेनाफिल को कितने समय तक लिया जा सकता है, क्या इसे सारी उम्र ले सकते हैं, क्या ऐसा करना सही रहेगा। इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि टेडेनाफिल लेने के बाद अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, क्या कोई टैबलेट ले सकते हैं या लेना सेफ होता है, तो अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ये सारे सेक्स टैबलेट किस काम आते हैं और कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि ये मेडिसिन क्यों ली जाती है, तो मैं बता दूं, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये मेडिसिन इस ट्रीटमेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है या इस प्रॉब्लम में ली जाती है। ये मेडिसिन आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ करती है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है और आप बेड पर लॉन्ग लास्ट रहते हैं और आप सेक्स करने का पूरा आनंद ले पाते हैं। तो अब बात करते हैं इस तरह की मेडिसिन को कितने समय तक लिया जा सकता है। तो इसका जवाब है, एक बात बिल्कुल अच्छे से समझिए कि कोई भी मेडिसिन लंबे समय तक लेना ठीक नहीं होता है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी पेशेंट को चेस्ट में पेन है या पेट में दर्द है या किसी विटामिन की कमी है, तो क्या उसको ये मेडिसिन लंबे समय तक दी जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। हम कोशिश करते हैं ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए ताकि बार बार मेडिसिन खाने से बचा जा सके। कुछ बीमारी की मेडिसिन लंबे समय तक या ज़िंदगी भर चलती है, जैसे शुगर, बीपी, हार्ट या किडनी प्रॉब्लम के लिए। और कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज नहीं है, तो आपको मेडिसिन के सहारे ही ज़िंदगी बितानी पड़ती है। उसमें भी रिस्क है, अगर डोज मिस हो गई तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है और इन सारी दवा से बाद में बॉडी के बाकी ऑर्गन पर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और पेशेंट को कहीं ना कहीं इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है बार बार दवा खाने से। अगर किसी चीज़ का इलाज है और ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सकती है, तो बार बार मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। उस प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करना ही बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपको कहीं बार बार पेन हो रहा है तो आप चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए ताकि आपको पेन से आज़ादी मिले और दवा खाने से भी, और लंबे समय तक पेन किलर लेना भी सेफ नहीं होता है। अगर आपको किसी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर आपको तब तक विटामिन की टैबलेट देते हैं जब तक आपके बॉडी से विटामिन की कमी पूरी ना हो जाए, और जब आपकी बॉडी खुद से विटामिन क्रिएट करने लगती है तो दवा को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अधिक मात्रा में विटामिन भी बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अधिक मात्रा में किसी भी विटामिन का बढ़ जाना भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसको परमानेंटली ठीक किया जा सकता है, सही मेडिकेशन और ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर ये सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक दवा देते हैं जिससे आपका प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सके, और आपको भी चाहिए कि आपका प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाए। आपको करने से पहले बार बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना पड़े, वरना मान लीजिए कभी आपके पास मेडिसिन नहीं रहा और आप कर नहीं पाए तो निराश होंगे, आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जाएगी तो आपको मेडिसिन लेने से छुटकारा मिलेगा और आप जब चाहे तब संबंध बना पाएंगे। लंबे समय तक मेडिसिन कब तक यूज़ करना है ये आपके प्रॉब्लम पर भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अगर एक प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है कि इस कारण से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इसके कॉजेस को या इसके पीछे के कारण को जानना होगा कि किस कारण से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, आपके लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है या कोई और कारण है। अगर स्टडी की बात करें तो 2 साल तक स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं 1000 लोगों पर, जिसमें पाया गया है कि 2 साल तक ये मेडिसिन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और बॉडी भी नॉर्मल है,
कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है। बट इसमें आज तक लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं हुआ है जिससे पता चल सके कि 2 साल के बाद भी ये उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं एडवाइस की। तो एक बेसिक चीज़ है कि किसी भी मेडिसिन को लॉन्ग टर्म तक लेना सही नहीं है। जिसको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है, किसी भी मेडिसिन को सही तरीके से सही डोज में डॉक्टर की देखरेख में ही लिया जाए तो वो सेफ होता है। बट हमेशा प्रॉब्लम को पकड़ के जड़ से ख़त्म करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए अपने प्रॉब्लम को अच्छे से ठीक करने की, ताकि खुल के लाइफ का मज़ा ले सके। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।